कोरोना वायरस का सबसे भयानक वार सबसे पहले झेलने वाले इटली ने अब उसकी कोरोना वैक्सीन तैयार की है, जिसकी 2021 में आने की संभावना है। इसे बनाने वाले वैज्ञानिकों का दावा है कि यह कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन पर असरदार होगी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्फेक्शियस डिजीज के साइंटिफिक डायरेक्टर लेजारो स्प्लंजली जुपेसी इपोलोटी ने स्पुतनिक को बताया है, राइथेरा की बनाई और वायरल वेक्टर पर आधारित इटली की वैक्सीन कैंडिडेट स्ट्रेन पर निर्भर नहीं करती है। यह अलग अलग वायरसों या किसी वायरस के अलग अलग स्ट्रेन पर असर कर सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि साइंटिफिक सबूतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि SARS-CoV-2 में होने वाले म्यूटेशन का खास असर नहीं होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक वैक्सीन के पहले चरण के ट्रायल के नतीजे 2 महीने बाद मिल जाएंगे, जबकि फाइनल नतीजे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय के सामने रिसर्च प्रोटोकॉल के बाद 24 हफ्ते में रखे जाएंगे। इपोलिटो ने बताया कि इटली में 3 चरण के ट्रायल पूरे होने के बाद ही आम लोगों के लिए इसे अप्रूव किया जाएगा। 3रे चरण के ट्रायल में वैक्सीन को ऐसे देशों में टेस्ट किया जाएगा जहाँ वायरस के ज्यादा केस है। आपको ये खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।